हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको PHP MySQL पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूँगा जिसका नाम है ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि अभी जब मैं आपको ये इसका डिटेल बताऊँगा इस प्रोजेक्ट का, तो कई जगहों पे सिस्टम थोड़ा सा धीरे वर्क कर रहा है मेरा, तो आप देखोगे लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और डेटाबेस मेरा जैम्प भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो डेटाबेस लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आप देख रहे हैं, ये नेविगेशन बार आपको दिख रहा है, ये होवर इफेक्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं ये कैरोजल है, कैरोजल में कुछ इमेजेस हमने यूज़ की हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं दूसरा सेक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, सर्विसेस। सर्विसेज में जो डेटा लोड होगा, ये डेटाबेस से डेटा लोड हो रहा है, ठीक है। ये हम सर्विसेज और सर्विसेज का नाम और सर्विसेज का कॉस्ट जो है अपडेट भी कर सकते हैं। एडमिन से लॉगिन करके मैं आपको बताऊंगा अगर कोई नया रिकॉर्ड एड करना है तो वो कैसे हो सकता है, और किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस से आ रहा है। फिर फोटो गैलरी, फोटो गैलरी में मैंने कुछ इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है। जो भी ब्यूटी पार्लर की इमेजेस आपको देना हो, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, या आपको सोर्स कोड में जाके देना पड़ेगा गैलरी डॉट PHP वाले पेज में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद है अबाउट अस पेज, देन आफ्टर कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है। इसमें मैंने ये होवर इफेक्ट दिया हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन पेज, अगर कोई नया यूज़र होगा तो पहले वो रजिस्ट्रेशन करेगा, देन आफ्टर लॉगिन करेगा, ठीक है। अब मैंने पहले से जो यूज़र क्रिएट किया हुआ है उसके थ्रू मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। साइन अप करके भी मैं आपको नया यूज़र भी क्रिएट करके दिखा सकता हूँ, बट मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन दो कर चुका हूँ, उससे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन में जो है, सबसे पहले तो हमें कोई आईडी एंटर करना है। आईडी मतलब आधार आईडी या लाइसेंस या पैन कार्ड का कोई भी एक आईडी इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड जेंडर। अब ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, पहले इसकी रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? एडमिन के पास, ठीक है। हम कर ही लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक नया यूज़र में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैंने अभी के लिए आईडी दे दिया 3333, फिर मैंने 3 लिखा तो 3 4, ठीक है। कुछ भी मैंने यहाँ पे आईडी दिया, नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, ABC XYZ, कॉन्टेक्ट नंबर, पासवर्ड ABC, ईमेल आईडी ABC@gmail.com, और यहाँ पे मैंने दे दिया मेल फीमेल, सबमिट किया, ठीक है। तो ये डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे लॉगिन हो नहीं पाएगा, ठीक है। पहले ये जो साइन अप की रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास जाएगी, एडमिन उसको चेक करेगा और या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एडमिन सेक्शन से लॉगिन करके। अब जो पहले से मैं यूज़र क्रिएट कर चुका हूँ, जिसका मैं रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ, उससे मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डेटाबेस से आप देख रहे हैं डेटा आ रहा है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र मतलब अपनी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं कुछ अपडेट करता हूँ, जैसे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर को अपडेट किया, लास्ट में मैंने 77 कर दिया, पहले 45 था, मैंने 77 कर दिया,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये अपडेट हो गया। अब व्यू सर्विसेज में मैंने आपको पहले भी दिखाया कि सारी जो सर्विसेज एडमिन ने ऐड की होंगी वो यूज़र को दिखेंगी यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। वैसे ये डिलीट का ऑप्शन यूज़र के पास नहीं आना चाहिए, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। किस पेज में मुझे जाना है, व्यू सर्विस यूज़र में, इसका कोड भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, किसी भी पेज में जब आपको चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से यूआरएल में चेक करते हैं कि इसका नाम क्या है, व्यू सर्विस यूज़र। ठीक है, तो इस पेज में हम जाते हैं, ये डी ड्राइव के अंदर ज़ैम्प के अंदर है, तो मैं ज़ैम्प को ओपन करता हूँ। ज़ैम्प के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर ब्यूटी पार्लर 2 फोल्डर है और व्यू सर्विसेस यूज़र, इसमें मुझे ये डिलीट वाला ऑप्शन नहीं देना है। तो मैं कोड में जाऊंगा और मैं यहाँ से एक्शन जो लिखा है उसको हटा देता हूँ, और नीचे एक डिलीट का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन मैंने एडमिन को दिया हुआ है, यूज़र को मुझे ये ऑप्शन नहीं देना है। वो केवल सर्विसेज को देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को देख के वो सर्विस को अपॉइंटमेंट को बुक करते समय सर्विस को वो सिलेक्ट करेगा। तो बुक अपॉइंटमेंट में जाते हैं, अभी कोई बुकिंग नहीं किया है इस यूज़र ने, तो व्यू माय अपॉइंटमेंट में यहाँ पे आपको कोई बुकिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं व्यू माय अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैंने एक बुकिंग यहाँ पे किया हुआ है, एक सेकंड, व्यू माय बुकिंग। ठीक है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम साइट यूज़र, ओके। एक बुकिंग मैंने ऑलरेडी इस यूज़र से किया हुआ है, एक नया बुकिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, जो भी यूज़र चाहता है, जो भी सर्विस, उस सर्विस को सिलेक्ट करेगा और वो अपने अकॉर्डिंग कुछ डेट बताएगा कि मुझे इस डेट का अपॉइंटमेंट फिक्स करना है इतने टाइम का। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइम लिख दिया, 05:00, सबमिट पे क्लिक किया। तो ये अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट चले जाएगी एडमिन के पास। ठीक है, और व्यू माय अपॉइंटमेंट में आप देखोगे ये डेटा आपको दिखेगा, जो भी आपने बुकिंग किया है। अब ये बुकिंग अभी कैसा है, पेंडिंग है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर तो एक्सेप्ट आ रहा है, बट ये जो अभी रिक्वेस्ट किया मैंने वो पेंडिंग आ रहा है, और यहाँ पे बुकिंग कंफर्म लिखा है और यहाँ पे क्लिक फॉर बुकिंग लिखा है, बट यहाँ कोई क्लिक नहीं हो रहा। पहले ये एक्सेप्ट होगा स्टेटस, उसके बाद ही ये इनेबल होगा, उसके बाद ही आप बुकिंग कंफर्म कर सकते हो अमाउंट पे करके। ठीक है, एक आपको अमाउंट पे करना पड़ता है 50 रुपीज़, उसके बाद ही आपका बुकिंग कंफर्म होता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ एडमिन सेक्शन पे और इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट एडमिन के पास जा चुकी है, तो एडमिन से लॉगिन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडमिन का नाम दे दिया और पासवर्ड दे दिया, लॉगिन पे कर दिया क्लिक। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, तो ये वार्निंग जो है, कोई वार्निंग इसीलिए है क्योंकि मेरा सिस्टम का कनेक्शन बार बार यहाँ पे रेफ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे कोई इधर नहीं है। ठीक है, वो मेरे सिस्टम की स्पीड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल बुकिंग रिक्वेस्ट, टोटल न्यू यूज़र रिक्वेस्ट, कोई नया यूज़र, जैसे अभी हमने एक नया यूज़र बनाया तो यहाँ पे 1 आ गया, एक रिक्वेस्ट आई है, एक बुकिंग रिक्वेस्ट भी अभी हमने दी थी। तो ये सब यूज़र यहाँ पे देख, एडमिन यहाँ पे देख सकता है, न्यू यूज़र रिक्वेस्ट, एक नया रिक्वेस्ट आया था, तो न्यू यूज़र रिक्वेस्ट में जाके मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये आप देख रहे हैं अभी पेंडिंग है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ ताकि ये साइन अप
के बाद लॉगिन कर पाए ये यूज़र, तो मैं असाइन स्टेटस में जाके इसका स्टेटस एक्सेप्ट करूँगा, और अगर मुझे कुछ गलत लगता है, मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र लॉगिन ना कर पाए, तो उसको मैं रिजेक्ट कर दूँगा। तो अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको, एक्सेप्ट किया तो आप देखेंगे वो रिकॉर्ड अब न्यू यूज़र रिक्वेस्ट में से हट जाएगा और व्यू यूज़र्स में वो डेटा आ चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड यहाँ से हट गया और व्यू यूज़र्स में डेटा आ गया, मतलब तीन यूज़र हो चुके हैं, तीन एक्टिव यूज़र हो चुके हैं जो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक एडमिन चाहे तो किसी को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट में देखता हूँ मैं। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया था, एक अपॉइंटमेंट का रिक्वेस्ट आपको मैंने बताया था भेज के, तो अभी इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। अब मैं इसको असाइन स्टेटस में जाके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो एक्सेप्ट होने के बाद जो यूज़र है, यूज़र को अब वहाँ पे कंफर्म बुकिंग का ऑप्शन आने लगेगा, मतलब क्लिक फॉर बुकिंग का ऑप्शन आने लगेगा जो पहले डिसेबल आ रहा था। ठीक है, अब ये डेटा यहाँ से हट चुका है। ठीक है, ऑल अपॉइंटमेंट में सारे अपॉइंटमेंट आएंगे जो रिजेक्ट हो चुके हैं या पेंडिंग में हैं या एक्सेप्ट हो चुके हैं। कन्फर्म्ड अपॉइंटमेंट में जो एक्सेप्ट हो चुके हैं वो आएंगे, और जिसमें यूज़र ने जो है अमाउंट पे कर दिया है वो कन्फर्म्ड अपॉइंटमेंट में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कन्फर्म्ड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके, तो अभी जो मैंने बुकिंग किया था, अपॉइंटमेंट बुक किया था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक्सेप्ट तो हो चुका है बट वो अभी अमाउंट यूज़र ने पे नहीं किया है। ऑल अपॉइंटमेंट पर आप देखेंगे तो आपको ये वाला जो अभी मैंने बुक किया था वो भी दिखेगा। ठीक है, अब एडमिन चाहे तो यहाँ से कोई नया सर्विस ऐड कर सकता है, सर्विस का नाम बताएगा और सर्विस का कॉस्ट बताएगा। ठीक है, व्यू सर्विस पे आप जाएंगे, तो जो भी सर्विसेज यूज़र एडमिन ने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, और अब हम एडमिन से लॉगिन ना करते हुए यूज़र से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़र से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज, सिस्टम की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे व्यू माय अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी वो अब एडमिन ने एक्सेप्ट कर ली है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या आ रहा है, इनेबल हो चुका है, क्लिक फॉर बुकिंग। तो मैं यहाँ पे कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, कार्ड नंबर कुछ भी मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अभी हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये कहीं सर्वर पे चेक नहीं हो रहा है, और ये अमाउंट अपने आप 50 लिख के आएगा, आपको इनिशियल अमाउंट 50 पे करना पड़ेगा बुकिंग को कंफर्म करने के लिए, तो आपकी बुकिंग यहाँ पे हो जाएगी कंफर्म। तो इससे क्या होगा, एडमिन को पता चल जाएगा कि हाँ ये बुकिंग कंफर्म है, तो वो टाइम उसके लिए एलोकेट कर देगा कि हाँ इस टाइम पे ये यूज़र आएगा। ठीक है, तो ये बुकिंग कंफर्म आ गया। तो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, इसका डिटेल भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किया है वो है ज़ैम्प। ज़ैम्प के अलावा आप वैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं और इजी पीएचपी भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं पीएचपी के लिए। ठीक है, एडिटर आप नोटपैड प्लस प्लस की जगह सबलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, या नेटबीन्स आईडी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र कोई भी आउटपुट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्रोम या फिर मोज़िला। ठीक है, अब जो डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस मैंने यूज़ की है वो है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप,
वो जो मैसेज आ रहा था अलर्ट वगैरह के थ्रू, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा था। डेटाबेस में मैंने MySQL को यूज़ किया है, और लॉजिकल लैंग्वेज हमारी है PHP। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आप सोर्स कोड चाहते हैं तो। सोर्स कोड का कॉस्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया है, सोर्स कोड प्लस रिपोर्ट प्लस PPT का कॉस्ट भी लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।